हेलो डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी सुनील नारवानी एक और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है बायो एनर्जेटिक्स। ये क्लास नाइन्थ और क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट बायो एनर्जेटिक्स और एनर्जी क्या है, रोल ऑफ एनर्जी या रोल ऑफ ATP एंड एनर्जी ट्रांसमिशन। इस टॉपिक के अंदर, लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन करते हैं अबाउट बायो एनर्जेटिक्स, तो बायो एनर्जेटिक्स जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। वर्ड बायो, बायो का मतलब होता है लाइफ या हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, और जो दूसरा वर्ड है एनर्जेटिक्स। वर्ड एनर्जेटिक्स टर्म यूज़ करते हैं हम एनर्जी के लिए। अब यहाँ पर एनर्जी किसको कह रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी काम कर हो रहे होते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई एक किस्म का फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास वो फ्यूल जो होता है उसको हम कह रहे होते हैं एनर्जी। किसी भी सिस्टम को काम करने के लिए कोई ना कोई एक किस्म का सोर्स चाहिए, तो वो है एनर्जी। हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई काम हो रहा है, कोई फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स के हिसाब से एनर्जी क्या है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जो भी हमारी बॉडी के अंदर काम करने की जो सलाहियत है उसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, एनर्जी का नाम दे रहे होते हैं। ये एनर्जी का कनेक्शन अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ हो, किसी जानदार की बॉडी के अंदर ये एनर्जी बन रही हो या उनको ट्रांसमिट की जा रही हो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, और उसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, बायो एनर्जेटिक्स का नाम देते हैं। बायो एनर्जेटिक्स की अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो बायो एनर्जेटिक्स क्या है कि स्टडी ऑफ एनर्जी, एनर्जी की स्टडी करना, मतलब कि उस एनर्जी की स्टडी किस तरह करना, कि स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी कन्वर्जेशन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। इसके अंदर क्या है कि एनर्जी जो बन रही होती है, कोई भी जानदार है, फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं, तो क्या करते हैं, सनलाइट जो एनर्जी आ रही होती है उसको ट्रैप करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, और वही एनर्जी को खुद यूटिलाइज करते हैं और उसको फिर आगे ग्लूकोज की फॉर्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म उसको यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक सिस्टम एनर्जी बना रहा है और दूसरा सिस्टम एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहा है, फिर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, एक जानदार से दूसरे जानदार के अंदर ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है, तो कन्वर्ट जो हो रही होती है। तो ओवरऑल बायोएनर्जेटिक्स क्या है कि इसके अंदर हम पढ़ते हैं अबाउट एनर्जी, और वो एनर्जी एक जानदार से दूसरे जानदार में जो ट्रांसमिशन हो रही होती है उसके बारे के अंदर हम इसके अंदर स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसको हम कह रहे होते हैं बायो एनर्जेटिक्स। अब यही हमारे पास जो बायोलॉजिकल एनर्जी है एक जानदार के अंदर बन रही है, दूसरे जानदार के अंदर ट्रांसफर हो रही होती है, तो इसी बायोलॉजिकल एनर्जी को ट्रांसफर जो हो रही होती है ये लॉज को ओबे करती है। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये उनको ऑबे करती है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सुना भी होगा और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जिसके अंदर क्या होता है कि एनर्जी ना तो बनाई सकती है ना ही हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इज कन्वर्ट इन टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पर भी सनलाइट जो एनर्जी, प्लांट्स एनर्जी को ट्रैप कर रहे होते हैं सनलाइट से, वो एनर्जी प्लांट खुद यूटिलाइज करते हैं, फिर उसी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, फिर वही खुद यूटिलाइज करते हैं या आगे उनको ट्रांसफर कर रहे होते हैं। उसके अलावा या टोटली जो सनलाइट से एनर्जी आ रही है वो पूरी तरीके से प्लांट यूटिलाइज नहीं करते, कुछ उसके अंदर एनर्जी से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ उसके अंदर सनलाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, और प्लांट्स कम से कम 2-3% उसके अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर जो बायोलॉजिकल एनर्जी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है उसके अंदर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे करते हैं। उसके बाद ये एनर्जी क्यों ज़रूरी होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जितनी भी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही होती है, जितने भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी क्या है, एक किस्म का सोर्स है किसी भी काम करने के लिए, हमें हमारी बॉडी के अंदर कोई भी काम हो रहा होता है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। अगर आउटसाइड की बात करें तो जैसे कोई फ़ैन है, तो फ़ैन चल रहा है तो फ़ैन को भी आगे चलने के लिए, उसको चलाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसको भी स्टार्ट करने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और उन काम जो बॉडी के अंदर जो डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको एनर्जी चाहिए। अब अगर बात करें हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और उस फेनोमेना को हम क्या नाम दे रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो ओवरऑल जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म का नाम दे रहे होते हैं। अब यहीं लिखा है सम ऑफ ऑल द रिएक्शंस अकर इन द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शन, एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज मेटाबॉलिज्म, उसको हम नाम क्या देते हैं, मेटाबॉलिज्म। फिर मेटाबॉलिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या हमारी बॉडी के अंदर चीज़ें बन रही होती हैं या हमारी बॉडी के अंदर चीज़ें ब्रेक डाउन हो रही होती है।
अगर हमारी बॉडी के अंदर कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस चल रहा होता है जिसके अंदर चीज़ें बन रही होती है तो उसको हम नाम क्या देते हैं, एनाबॉलिज्म का नाम देते हैं। तो एनाबॉलिज्म एक किस्म का कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। दूसरा इसके अपोजिट है जो कैटाबॉलिज्म कहलाता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज़ें बन रही हैं तो कोई चीज़ें उसके दौरान उसी टाइम कोई चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन भी हो रही होती हैं तो उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म एक किस्म का डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसके अंदर चीज़ें ब्रेकडाउन होती हैं। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक किस्म का एग्जाम्पल एनाबॉलिज्म का है। जैसे कि प्लांट्स क्या करते हैं, बॉडी के अंदर क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के इस्तेमाल इसको इनको यूज़ करके बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, जब इनको सन एनर्जी मिलती है तो ये वहाँ पर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज बना है ये एक किस्म का प्रोसेस हुआ है। तो यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट हुई है तो ये क्या कहलाएगा, एक एनाबॉलिज्म का प्रोसेस कहलाएगा। तो जिसके अंदर चीज़ें बन रही हैं लिविंग बॉडी के अंदर तो उसको हम नाम क्या देते हैं, एनाबॉलिज्म का नाम देते हैं। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया, ग्लूकोज बन गया और जिसके अंदर एनर्जी इस्तेमाल हुई थी तो यहाँ पर ये जो सन एनर्जी थी वो यहाँ पर यूज़ हुई है। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर कैटाबॉलिज्म का भी प्रोसेस हो रहा होता है लिविंग बॉडीज़ के अंदर। तो यहाँ पर देखें ग्लूकोज जो है इसको ब्रेकडाउन किया जाता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। बाकी इसको जब ब्रेकडाउन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो बनता है, इसके अलावा हमें ये ग्लूकोज ब्रेकडाउन इसलिए करते हैं ताकि हमें एनर्जी मिल सके और उसी एनर्जी को हम यूटिलाइज़ करते हैं किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। अब ये जो एनर्जी इस ग्लूकोज को ब्रेकडाउन किया जो एनर्जी बनी है वो किस फॉर्म में हमने स्टोर की हुई होती है, वो एटीपी की फॉर्म में। देन उसके बाद एटीपी जब ब्रेकडाउन होता है एटीपी को हम एडीपी में कन्वर्ट करते हैं तो वो एनर्जी आगे यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पर जो एटीपी बनी है इसके अंदर क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है। तो ये एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल कहलाता है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं या तो इसके अंदर एनर्जी का यूज़ हो रहा होता है या इनसे एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो एक किस्म का यहाँ पर देखें एनर्जी, यहाँ पर अगर हम बात करें एनाबॉलिज्म के अंदर तो इसको बनने के लिए एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी यहाँ पर आई। उसके बाद इसको ग्लूकोज बना तो इस ग्लूकोज को हमने वापस क्या किया, ब्रेकडाउन किया तो यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई। तो एक किस्म का कन्वर्जेशन हमें देखने को मिला, यहाँ पर एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप है इसी को ही हम बायो एनर्जेटिक्स का नाम दे रहे होते हैं। और ये जो एक्टिविटीज़ हो रही होती है इनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, या इन फेनोमेना को हम नाम क्या दे रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। तो ये सारा ये जो भी प्रोसेस है ये एक लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा होता है, चाहे हम ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे और कोई ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है रोल ऑफ एटीपी। रोल ऑफ एटीपी के अंदर के हमारी बॉडी के अंदर हम कहते हैं कि एक किस्म की बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है और वो एनर्जी जो स्टोर होती है एक किस्म की हम बात करें करेंसी कहें तो वो इस फॉर्म में स्टोर होती है जिसको हम कहते हैं एटीपी। ग्लूकोज जो है हम जो भी खाना खा रहे होते हैं, ऑर्गेनिक फूड यूज़ कर रहे होते हैं, उससे एक एनर्जी बनती है और वो एनर्जी जाकर ऑटोमेटिकली उसी वक्त यूज़ नहीं होती है, उसके अंदर कुछ एनर्जी यूज़ हो जाती है और कुछ उसके अंदर बॉडी को स्टोर करके रखता है। जब उसकी ज़रूरत होती है तो उस वक्त ये एटीपी हम उस वक्त स्पेंड करते हैं और हमारी बॉडी को वापस एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस वक्त एनर्जी मिल जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल के टाइम के अंदर हमारे पास जो सोलर सिस्टम है, कोई लाइट चली जाती है उसके बाद क्या होता है, सन एनर्जी जो होती है, सनलाइट जो होती है, कुछ प्लेट्स जो होती हैं सोलर प्लेट्स, उन एनर्जी को स्टोर करके उन बैटरीज के अंदर स्टोर करके रखते हैं, फिर जब हम उसको यूज़ करनी होती है तो उसको हम यूज़ कर देते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और कुछ एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है और वो स्टोर जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। अब ये जो एटीपी है, एटीपी को हम नाम देते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कॉमन एनर्जी करेंसी है। किसी भी बॉडी के अंदर या किसी भी सेल के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी काम करना होगा ये करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये एटीपी हमारी बॉडी के अंदर नहीं है तो कोई भी काम परफॉर्म नहीं हो सकता है। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास करेंसी है किस्म की। तो इसी वजह से हमने इसको कह दिया कि करेंसी ऑफ सेल। बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन होगा उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी इसी वजह से हम इसको कह रहे होते हैं कॉमन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब एटीपी खुद क्या है, अगर हम एटीपी के स्ट्रक्चर की बात करें तो एटीपी का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें क्या मिलता है, 3 फॉस्फेट मिलते हैं, 1 पेंटोज शुगर मिलती है और इसके साथ एक नाइट्रोजिनस बेस अटैच होती है जिसको हम कहते हैं एडेनाइन। तो इस एटीपी की फुल फॉर्म क्या होगी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम क्या कहते हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इस एडेनोसाइन के अंदर क्या होता है कि पेंटोज शुगर एडेनाइन प्रेजेंट होती है, उसके अलावा इसके अंदर हमें हमारे पास क्या होते हैं, 3 फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं।
इस एडेनोसाइन शुगर के साथ तीन फास्फेट इस तरह से बॉन्डेड होते हैं और इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं एडेनोसाइन ट्राई फास्फेट का नाम दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये फास्फेट वन है, ये फास्फेट टू है, ये फास्फेट थ्री है। तो यहाँ पर तीन फास्फेट जो हैं एक शुगर के साथ, पेंटो शुगर, फाइव कार्बन वाली जो शुगर है इसके साथ बॉन्डेड होते हैं और इसी के साथ एक नाइट्रोजीनियस बेस अटैच है और इसी तीनों चीज़ों को मिलाकर हम नाम देते हैं एटीपी, एडेनोसाइन ट्राई फास्फेट का नाम देते हैं। जब इस एटीपी को यूटिलाइज करना होता है, ये बनता कहाँ पर है, ये बनता है यहाँ पर, ग्लूकोज को हमने ब्रेक डाउन किया और इससे क्या बन गया, एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बाय प्रोडक्ट है, हमारे पास एटीपी बन गया। इस एटीपी के अंदर क्या है, एक किस्म की एनर्जी स्टोर है, वो जो एनर्जी स्टोर है इन फॉस्फेट जो बॉन्ड है इसके दरमियान के अंदर है। अगर हम इसको शो करें तो ये जो फॉस्फेट बॉन्ड है इसको हम यहाँ लाइन से शो करें तो इसके अंदर एक किस्म का बॉन्ड बना हुआ होता है, ये जो ट्राई फॉस्फेट है इनके फॉस्फेट के बीच में किस्म का बॉन्ड है। तो इस बॉन्ड के अंदर जो होती है क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है। तो उस एनर्जी जो स्टोर होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। और एट द टाइम जब इस बॉडी को या किसी भी बॉडी के पार्ट को या सेल को जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो फिर इस एटीपी को यूटिलाइज़ करके एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है। एनर्जी को रिलीज़ करने के क्या किस तरह की जाती है कि यहाँ पर जो फास्फेट है इसके बॉन्ड को वापस ब्रेक डाउन किया जाता है। जब बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं तो इससे एनर्जी रिलीज़ होती है। तो यहाँ पर जो ये फास्फेट वाला बॉन्ड है, एक यहाँ से फास्फेट ब्रेक डाउन हो जाएगा और इसको कन्वर्ट किया जाता है कुछ इस तरह से। तो बाकी हमारे पास जब एक फॉस्फेट यहाँ से रिलीज होकर निकल जाएगा तो ये एक फॉस्फेट देखें, यहाँ से बॉन्ड जो था वो ब्रेक डाउन हो चुका है। इस बॉन्ड से जब ब्रेक डाउन हुआ तो क्या रिलीज़ हुई, एनर्जी रिलीज़ हुई। तो वो एनर्जी जो हमारी बॉडी के अंदर जहाँ ज़रूरत थी ये वहाँ पर यूटिलाइज हो गई और ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया। अब इसका नाम जो चेंज होकर क्या हो गया, अब इसको हम नाम देंगे एडीपी। अब ये डाइफॉस्फेट बन गया, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट का मतलब क्या है, अब इसके अंदर हमारे पास P1 एंड P2, सिर्फ दो फॉस्फेट हमारे पास बच गए हैं, बाकी एक फॉस्फेट यहाँ से बॉन्ड का इसका ब्रेकडाउन हुआ और एक रिलीज हो गया। तो यहीं पर हमारे पास जब हमने क्या, एटीपी को ब्रेकडाउन करते हैं, उसको कन्वर्ट किया जाता है किस में, एटीपी में, और इसी के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। और ये एनर्जी जो रिलीज हो रही होती है ये कितनी होती है, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, एक एटीपी के अंदर इतनी एनर्जी स्टोर होती है। उसके बाद अगर हम बात करें वापस, अगर इसको एटीपी को जब बनाया जाता है, यहाँ पर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एटीपी को बनाया जाता है, तो एटीपी के अंदर क्या होता है कि इसको सबसे पहले बॉडी के अंदर जो एडीपी है और इस फॉस्फेट को इसके साथ बॉन्ड बनाया जाता है। तो इन जब इन दोनों का बॉन्ड बनेगा तो इनको एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होगी, जो इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर ये देखें ये एनर्जी क्या हो रही है, इनको ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर एनर्जी का इनटेक हो रहा था और यहाँ पर एनर्जी का यहाँ पर रिलीज हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं, जब भी बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे तो वहाँ से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और बॉन्ड अगर बनाया जा रहा तो वहाँ पर एनर्जी क्या होगी, इनटेक होगी। अब यहाँ पर एडीपी को फॉस्फेट के साथ जब जोड़ा गया, बॉन्ड बनाया जा रहा है, तो इसके अंदर क्या बन गया, एटीपी। अब एटीपी एक किस्म की करेंसी बन गई जो हमने यहाँ पर डिस्कस की। अब इस एटीपी के अंदर क्या है, एनर्जी स्टोर है। वापस जब बॉडी को ज़रूरत होगी तो ये एटीपी खुद को क्या कर देगा, इस तरह से वापस इसको ब्रेक डाउन कर देगा और यहाँ से एनर्जी रिलीज हो जाएगी 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। अब यहाँ पर देखें जो एटीपी ब्रेक डाउन हो रहा है और ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज प्रोसेस हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं एक्सर्गोनिक प्रोसेस कह रहे होते हैं, जिसके अंदर एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और जिसके अंदर एनर्जी स्टोर हो या एनर्जी इनटेक हो रही हो उसको हम कहते हैं एंडरगोनिक रिएक्शन का नाम दे रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर ये दोनों, एक्सर्गोनिक रिएक्शन भी हो रहा था और एंडरगोनिक रिएक्शन भी हो रहा होता है। तो कुछ हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर भी हो रही होती है और कुछ टाइम के लिए हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज भी हो रही होती है। तो ये ओवरऑल था अबाउट रोल ऑफ एटीपी, के हमारी बॉडी के अंदर एटीपी क्या है, किस तरह काम करती है। उसके बाद एनर्जी ट्रांसमिशन, बायोएनर्जेटिक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि एनर्जी को कन्वर्जेशन होती है, कि एनर्जी को कन्वर्जेशन करने के लिए क्या किया जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी ट्रांसमिशन हो रही होती है या कहीं भी एनर्जी ट्रांसमिशन करते हैं तो उसके अंदर या तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर लॉस आर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन एंड ब्रेकिंग ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स। किसी भी टाइम बॉडी के अंदर अगर कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड जो होता है वो ब्रेकडाउन हो रहा होता है या वहाँ पर केमिकल बॉन्ड बन रहा होता है।
तो उसके दौरान केमिकल बॉन्ड बनने को और केमिकल बॉन्ड टूटने के दौरान कुछ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होते हैं। तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन की लॉस और गेन के बीच में क्या हो रही होती है, एनर्जी जो होती है वो ट्रांसमिशन होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या काम करते हैं, एनर्जी को ट्रांसमिशन का काम कर रहे होते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर रिडक्शन का भी प्रोसेस हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन का भी प्रोसेस हो रहा होता है। इसी तरह ये दूसरे जानदारों के अंदर भी रिडक्शन भी हो रही होती है और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है। अब अगर बात करें यहाँ पर रिडक्शन किसको कहते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में क्या डिफरेंस है। ऑक्सीडेशन हम किसको कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी कंपाउंड से या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ से इलेक्ट्रॉन को, एलिमेंट से कहीं से इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जाए तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, या लॉस ऑफ प्रोटॉन हाइड्रोजन को भी हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन, या गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। रिडक्शन इसके अपोजिट है कि कहीं भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन कहेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो रहे हैं तो उसको हम नाम क्या देंगे, रिडक्शन का नाम देंगे। अगर गेन ऑफ प्रोटॉन है तो भी इसको हम रिडक्शन कहेंगे, या लॉस ऑफ ऑक्सीजन है तो उसको भी हम नाम क्या देंगे, रिडक्शन का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस तरह होती है, फॉर एग्जांपल आयरन है, इस आयरन के पास इलेक्ट्रॉन थे, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, अब आयरन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। आयरन ने क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लॉस कर दिया, जिसकी वजह से आयरन ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो अब ऑक्सीजन क्या होगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ये ऑक्सीजन क्या हो गया, अब हम कहेंगे कि ऑक्सीजन जो है ये रिड्यूस्ड हो गया। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो हम कहेंगे कि यहाँ पर रिडक्शन हुई है, और इलेक्ट्रॉन, आयरन ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो हमने कहा यहाँ पर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस चलता रहता है। अब इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये हमारे पास क्या बन गया, रस्ट बन गया किस्म का, ठीक है। रस्ट एक किस्म का केमिकल कंपाउंड है जो आयरन के ऊपर जब ऑक्सीजन एंटर हो जाती है तो वो सड़ जाते हैं, तो उसको हम नाम दे रहे होते हैं रस्ट का। अच्छा, उसके बाद एक और एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए है और ए के पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जब अपने ए जो है, ए के पास दो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ये जो ए है ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये जो ए है ये अपने इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ से कहाँ पर भेज रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है किसको दे रहा है, यहाँ पर ये इसने इलेक्ट्रॉन अपने बी को दे दिए, तो ए ने इलेक्ट्रॉन देखें लॉस कर दिए और यहाँ पर ये क्या हो गया, इसने गेन किए, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया और यहाँ पर B जो था वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। तो इसने देखें A यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो लॉस करके ऑक्सीडाइज्ड हो गया, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, और यहाँ पर जो B था इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, अब ये जो B बन गया, अब ये क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुई। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के गेन करने को हम क्या कह रहे होते हैं, रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन के लॉस करने को हम क्या कह रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन कह रहे होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम फिर हाजिर होंगे।